आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में जोरदार उछाल आता दिखाई दिया है। विदेशों में कॉटन में आई तेजी के चलते घरेलू वायदा भी तेजी की ओर जाता दिखाई दिया है। हालांकि ऊंची कीमतों के चलते कॉटन में लिवाल थोड़ा कम होता दिखाई दिया है। अमेरिका के टेक्सास में सूखे मौसम के चलते विदेशी बाजारों में कॉटन में तेजी आई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका कॉटन उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है। कॉटन के निर्यात के मामले में भी अमेरिका उच्च स्थान पर रखता है अपने आप को। वहीं इसी बीच जानकारों का कहना है कि कॉटन के बाजार में ऊपरी स्तरों से जोरदार गिरावट बन सकती है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर केडिया का कहना है कि कॉटन में गिरावट के काफी कारण है, जैसे कि मार्केट में अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया भर में ऑयल सीड की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे में ऑयल सीड की बुआई का रकबा भी बढ़ेगा। ऊंची कीमतें रहने के चलते कपास की बुआई का रकबा बढ़ सकता है। वही मार्केट टेक्निकली ओवरबोट जोन में है। कॉटन की कीमतें 35,000 से 44,700 तक हैं। वहीं हाजिर में ऊंची कीमतों के चलते कॉटन की मांग में थोड़ी नरमी आई है। ज्यादा कीमतें रहने के चलते अगर सरकार सक्रिय होती है और कोई फैसला या फिर किसी प्रकार की कोई रियायत देती है तो कीमतों पर असर इसका पड़ सकता है। एजुकेडिया के अनुसार एमसीएक्स कॉटन में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 32,000 तक नीचे में जा सकती है। कॉटन में संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।